नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। फूड ब्लॉग के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं जानती हूँ आपको हर शनिवार का इंतज़ार रहता है, और जितना आपको इंतज़ार रहता है हमें भी उतना ही इंतज़ार रहता है कि हम आपको एक नए फूड ब्लॉग के साथ रूबरू मिलें और आपको बताएं कि जम्मू में क्या कुछ खास लोगों को पसंद आता है और किस तरह के खाने को वो लोग पसंद करते हैं। और अगर चटपटी चाट की बात की जाए तो इस समय मैं हूँ गांधीनगर में, जहाँ पर डोगरा चाट बहुत ही फेमस चाट है। और यहाँ पर आपको डोगरा चाट में आलू टिक्की के साथ साथ कलाड़ी कुलचा, जो जम्मू का फेमस है, वो मिलेगा। और लोग यहाँ पर जो है दोपहर 4 बजे के बाद से ही इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर आलू टिक्की, दही भल्ला, पापड़ी चाट, कलाड़ी कुलचा, चाट पापड़ी, सब कुछ यहाँ का बहुत फेमस है। और अगर टेस्ट की बात की जाए तो टेस्ट इतना मज़ेदार है कि एक बार जो खाता है वो बार बार यहाँ पर आता है। तो चलिए जानते हैं, करते हैं कि बात यहाँ के जो ओनर हैं उनसे, क्या किस किस्म की वो यहाँ पर लोगों को चाट खिलाते हैं। आपका नाम? मैम, मेरा नाम राजेश है, राजेश। और कब से आप ये जो है आपने यहाँ पर चाट का काम शुरू किया? मैम, जो काफ़ी देर हो गए, पापा पहले करते थे, अब मैंने आगे चला रहा हूँ। मैं कम से कम 35-40 साल हो गए काम करते हुए। हाँ, और कितने बजे से लेकर कितने बजे तक ये यहाँ पर शॉप खुली रहती है? 3 बजे से शुरू हो जाता है और रात 9:30 तक। हाँ जी, यहाँ पर आलू टिक्की तो बहुत फेमस ही है, मैंने लोगों को बहुत बार खाते देखा है, मैं भी बहुत बार यहाँ से लेकर गई हूँ। लेकिन ज़्यादातर टिक्की के बाद लोग और क्या खाना पसंद करते हैं? भल्ला खाना पसंद करते हैं, कलाड़ी हो गई है, वो भी हमारा लोग काफ़ी पसंद करते हैं, ट्रेंडिंग में ऐसे में चल रहा है, वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। और टिक्की बाद लोग भाई भल्ला चाट होगी, ये खाना पसंद करते हैं। अगर रेट्स की बात की जाए? रेट्स 70 हैं, तो मेरे साथ तो जेन्युइन रेट ही है। टिक्की भी 70 है, चाट भी 70 है, कलाड़ी भी 70 है। हाँ जी, आलू टिक्की तो मैंने और भी बहुत जगह पर खाई है, ऐसी क्या चीज़ है जो आपके यहाँ से एक बार आलू टिक्की या कलाड़ी कुलचा खा के जाता है वो दोबारा कहीं और नहीं जा पाता? मैं वही सिंपल है, जैसे सिंपल जैसे पौधों ने सिखाया हुआ वैसे वैसे बनाता हूँ, उससे अलग कुछ नहीं। जो आज से वो 35-40 साल पहले बनती थी वैसे बनाता हूँ मैं, अपने से कुछ नया ऐड आउट नहीं किया मैंने, वही पुराना टेस्ट है, वही पुराना टेस्ट देता हूँ। तो दोपहर 3:30 बजे ये शॉप खुल जाती है डोगरा चाट की, और 3:30 बजे के बाद से ही लोग यहाँ पर इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं कि कब जो है आलू टिक्की गर्मा गर्म परोसी जाएगी और कब इन्हें आलू टिक्की जो है खाने को मिलेगी। और वहीं सिर्फ आलू टिक्की ही नहीं, आपको दही भल्ला, पापड़ी चाट, आपको कलाड़ी कुलचा भी यहाँ पर जो है मिलता है, और लोग जो हैं उसको बड़े पसंद, बड़े चाव के साथ खाना पसंद करते हैं। इनसे भी जानते हैं, जैसे हमने पहले भी बात की, सिर्फ 70 रुपये जो है प्लेट है, और 70 रुपये में आप जो है कलाड़ी कुलचा या आलू टिक्की का स्वाद यहाँ पर ले सकते हैं। भैया, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि डोगरा चाट, डोगरा लोगों को इतना भरपूर प्यार मिला आपको? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, तभी तो भाई स्टैंड खड़े हैं यहाँ पे। तो आप कह रहे हो 30-35 साल में कोई फ़र्क देखा आपने? कोई फ़र्क नहीं, रोज़ाना आ रहे हो, आप ही आ रहे हो, आप भी आते हो, सभी जैसे डेली आते हैं लोग, सभी आ रहे, जैसे मतलब जस्ट लाइक ऐसा चल रहा है बस डेली। और रश की अगर बात की जाए, शाम को रश ज़्यादा होता है या रश दिन में भी ऐसा ही रहता है? मैम, कोई पता नहीं लगता, कुछ पता नहीं लगता, हो जाता अभी 5 मिनट रश हो जाए, नहीं तो आधे घंटे बाद, मैं चलता रहता है मतलब। और मसाले जो इसमें डाले जाते हैं ये घर पे तैयार किए जाते हैं? ये हम खुद तैयार करते हैं मसाले, घर पे तैयार करते हैं मसाले ये वाले। तो शायद मेरे को लगता है ये घर के बने हुए मसाले हैं जिसकी वजह से लोग खाना भी पसंद करते हैं। हाँ हाँ, वो भी तो है आगे, ये अपने हाथ से ग्राइंड करते हैं हम सब। हाँ, खुद ही ग्राइंड करते हैं सब, ये सब मसाले मिक्स करके खुद ही ग्राइंड करते हैं हम जी। तो चलिए, अगर आप गांधीनगर आए हैं और डोगरा चाट पर अगर आपका आलू टिक्की खाने का मन कर रहा है, या कलाड़ी कुलचा खाने का मन कर रहा है, या दही भल्ला खाने का मन कर रहा है, तो मुझे लगता है ये डोगरा चाट आपके लिए बिल्कुल सही जगह है। एक ही छत के नीचे आपको आलू टिक्की, दही पापड़ी, दही भल्ला चाट और आपको कलाड़ी कुलचे का स्वाद मिल जाएगा। तो अगर आप इसका स्वाद लेना चाहते हैं तो गांधीनगर में डोगरा चाट आइएगा और यहाँ पर मज़ेदार चटपटी चीज़ों का इंजॉय कीजिएगा। इस हफ्ते के इस फूड ब्लॉग के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? जिस तरह से हर हफ्ते की तरह आपने हमारे फूड ब्लॉग को बहुत ही प्यार दिया है, इस वीडियो के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? और आई एम श्योर, अगर आप जम्मू वासी हैं तो मुझे इतना यकीन है कि डोगरा चाट तो आप आए ही होंगे और यहाँ के आलू टिक्की को आपने ज़रूर बड़े चाव से खाया होगा। अगर खाया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अगले शनिवार एक नए फूड ब्लॉग के साथ मैं फिर से आपके सामने हाजिर होंगी। मुझे दीजिए इजाज़त, कैमरामैन साहिल भट्ट के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।